मेरा नाम जाकिर है, मैं अलीगढ़ से हूँ। कल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई उस दूसरे व्यापारी का नाम बताइए जिसने धोखा किया और उसने भी टेढ़े कबूतर भेजे, जैसे कि जसविंदर ने भेजे थे। जसविंदर ने इसके ये के रिंकू के घर पहुँचाए थे जो कि खजाने गेट पर रहता है, और उस रिंकू ने अपने घर से इकट्ठा करके कबूतर मेरे अलीगढ़ के लिए बिल्टी लगाई थी। तो दूसरा जो चोर व्यापारी है उसका नाम है रिंकू, जो कि खजाने गेट पर रहता है। कल तक मैंने उसका नाम इसलिए नहीं खोला, मैंने कहा शायद हो सकता आपने कबूतर वापस ले ले, पैसे वापस कर दे, लेकिन वो मुझे रात तक उल्लू बनाता रहा। उसकी मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगा, मेरी उससे बात हुई है मोबाइल पे, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। मुझे उल्लू बनाता रहा कि पैसे देगा, ये करेगा, वो करेगा, क्योंकि वो ये चाहता था कि देर हो जाए, जितनी देर हो जाएगी उतना मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो चोर है एक नंबर का। तो मेरा लिहाजा कहने का मकसद ये है कि जो दूसरा व्यापारी है उसका नाम है रिंकू, जो कि अमृतसर में खजाने गेट पर रहता है, और उसका लास्ट के 5 डिजिट है मोबाइल के 2461-5, 2461-5 लास्ट के जो मोबाइल के जो 5 डिजिट है वो 2461-5 है, और उसका नाम है रिंकू, जो कि खजाने गेट पे रहता है, और वो है चोर एक नंबर का। और वो चोर मुझे कल उल्लू बनाता रहा कि मैं पैसे रात को दे दूंगा, कि जब दे दूंगा कि 5 कबूतरों के वापस कर दूंगा, कि ये कर दूंगा जितने बीमार हैं। अब ये बताइए वो टेढ़े होते चले आ रहे हैं। आज फिर मैंने चेक करे कबूतर अपने, तो देखा कि और कबूतर उसमें टेढ़ी होती चली जा रही है माँ दिन। तो मसला ये है कि इस रिंकू से भी बच के रहें, ये भी एक नंबर का चोर व्यापारी है, और वो जसविंदर अटारी वाला, वो भी इन दोनों ने मिलकर पूरा गेम खेला है, और इन्होंने जो है तकरीबन मुझे 36 कबूतर उसने दिए इसने रिंकू ने, और 15 कबूतर उसने भेजे जसविंदर ने। तो टोटल इन लोगों ने जो है इन कबूतरों का मुझे चूना लगाया, और इन लोगों से बच गए हैं। और जो दूसरा व्यापारी है वो है रिंकू, मैंने नाम आपको बता दिया। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है तमाम ग्रुप के एडमिनों से कि इन दोनों के नंबर डिलीट मारें, और कोई अगर बंदा यूट्यूब पे ये वीडियो डाल सकता है तो भैया ये वीडियो डाल दे यूट्यूब पे, ताकि हिंदुस्तान में लोग इन चोरों से बच सकें, क्योंकि ये पैसा तो ले लेते हैं, पैसा वापस करने का नाम नहीं लेते, हरामीपन की हद करके फेंक दिए बिल्कुल, कि मतलब दूसरे के पैसे गबन कर रहे हैं, दूसरे का पैसा हराम का समझ रहे हैं, और ये पैसे मार रहे हैं कबूतरों के बहाने, लोगों को लालच में फ़ोटो दिखा दिखा के कि बॉर्डर वाले हैं, कि सोडर वाले हैं, कि ये हैं, कि ढिमका है, फलाना है, और लोगों को जो है पैसों को मार रहे हैं। ठीक है भाई।